दिल्ली में स्थित पटेल नगर के निवासी करण, जो कि पैशन से एक हेयर ड्रेसर हैं, और उनको दिल्ली में ही स्थित डीडीए कॉलोनी ईस्ट ऑफ कैलाश के निवासी मनीष कनौजिया द्वारा ली मेरिडियन में एक दुकान दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। करण पैसे कमाने के लिए विदेश में जाकर काम करने लगे और जब वह कुछ समय बाद विदेश से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वापस लौटकर आए तो उन्हें मनीष मिला, जिससे करण से दोस्ती की और उनसे काफी अच्छा रिश्ता बना ली। मनीष ने करण के घर में आना जाना शुरू कर दिया। मनीष लुक्स में काम करते थे, जो कि दिल्ली का एक जाना माना ब्रांड है। मनीष के पिता राजकुमार कनौजिया ली मेरिडियन, जो कि एक बहुत बड़ा होटल ब्रांड है, उसमें काम करते हैं। मनीष ने करण को ली मेरिडियन में दुकान दिलाने के लिए कहा, जिसके लिए करण मान गए, क्योंकि ली मेरिडियन एक बहुत ही बड़ा होटल ब्रांड है। करण मनीष के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद करण ने मनीष को पैसे भेजना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मनीष दिल्ली छोड़कर सिंगापुर चले गए और करण के कई फोन करने पर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, साथ ही उन्हें अपना इंस्टाग्राम से भी हटा दिया। कुछ दिनों बाद जब वह छुट्टियों से लौट कर आए, तब करण ने से मुलाकात की और पूछा कि मेरे पैसों का क्या हुआ, तो मनीष ने उत्तर दिया, अब हम देखेंगे। जब करण को बहुत दिनों तक मनीष से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने मनीष को एक लीगल नोटिस भेज दिया, जिसके बाद मनीष का कहना था कि अब हमें तेरे पैसे वापस नहीं करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसके बाद करण ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेरा नाम करण कुन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पटेल नगर में मेरा घर है और पेशे से मैं एक हेयरड्रेसर हूँ, नाई कहते हैं हम लोगों को, और यही मेरा। सर, आपके साथ में जो चीटिंग हुई है ली मेरिडियन के नाम पे दुकान दिलाने के लिए और लुक्स में दुकान दिलाने के लिए, उस व्यक्ति का क्या नाम है और किस प्रकार आपके साथ चीटिंग हुई? उस व्यक्ति का नाम है मनीष कनौजिया और वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश में डीडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं। और ये कुछ 2018 की बात जी, जो ये चीटिंग मेरे साथ शुरू हुई थी। मैं बाहर देश गया था काम करने के लिए, यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिल रही थी और बाहर वालों ने मेरे को दी अपॉर्चुनिटी, तो मैं काम करने चले गया। और वहाँ से करीबन 2 साल में, मतलब ये बात है 17 और 18 में, जब मैं वापस हिंदुस्तान आया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, पैसे कमा के, क्योंकि हम इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं, सुबह कमाना रात को खाना वाला वो है, तो ये दोस्ती वहाँ से शुरू हुई थी। इन्होंने घर पे आना शुरू करा, लुक्स में काम करते हैं, लुक्स एक बहुत ही माना जाना ब्रांड है दिल्ली का, और इसके फादर उनका नाम है राम कुमार मनौजिया, वो करते हैं काम ली मेरिडियन। तो ली मेरिडियन और लुक्स के नाम पर थोड़ा बहुत बोल बाल के कि जी हमारा ये है, हमारा वो है, बैकग्राउंड वगैरह, घर पे आना शुरू हुआ। पहले बातचीत हुई कि जी चलो, पहले दोस्ती वोस्ती बढ़नी शुरू हुई, घर वालों के साथ प्रेम वगैरह शुरू हुआ, थोड़ा क्या कहते हैं, आश्वासन बनाना शुरू हुआ, ट्रस्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे लगवाने शुरू कर, शुरुआत में इन्होंने बोला कि लुक्स में हम पार्टनरशिप करेंगे, एक सलोन खोलेंगे दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी जगह पर, और उसके बाद काफ़ी जी ट्रांसफ़र करिए पैसे धीरे धीरे करते 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 करते, और एक करीबन 2019 तक ये माजरा चला। मार्च अप्रैल के आसपास इन्होंने पैसा वापस करना छोड़ दिया मन, और ये चले गए सिंगापुर छुट्टियां मनाने के। मैं इनको फ़ोन पे फ़ोन करता रहा कि भैया मेरा पैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे बता दो, कुछ बता दो। बस यही निकलता था इनके मुंह से कि हो रहा है, काम हो रहा है। मैं बाहर गया हूँ फाइनेंसरों ढूंढने के लिए कि मैं भी, एक तीसरा फाइनेंसर आएगा, वो डालेगा लुक्स के सलोन में जो हमारा पार्टनरशिप हो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। करते करते फ़ोन करते करते प्यार मोहब्बत से मिले, बोला पूछा क्या है क्या नहीं है, मेरी वाइफ के साथ मिले, मेरी शादी 2020 में हुई है, 2020 फरवरी में, 16 फरवरी में हुई है। जनवरी में हम इनके पास गए थे, मैं और मेरी वाइफ, उसका वीडियो प्रूफ भी है मेरे पास बकायदा, क्योंकि हमने बनाया था। हमने बहुत पोलाइटली बात करी कि हमारा पैसा कब आप लौटा रहे हैं, नहीं लौटा रहे हैं तो हमें बताइए कि आगे डील कैसे चले।
कुछ बताइए, क्योंकि 2 साल हो गया था प्यार मोहब्बत करते करते करते, अब कितना प्यार मोहब्बत कोई एक इंसान दिखाएगा जो 2 साल खून पसीने की मेहनत बाहर काम करके आया हिंदुस्तान वापस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और उसका पैसा आप ऐसे हड़प लें, तो कितना प्यार मोहब्बत एक आम इंसान, एक गरीब इंसान जिसको बोलते हैं वो दिखा। सर आपने पैसे किस तरीके से दिया, कैश दिया या ट्रांसफर? सारा का सारा जो पैसा है बैंक के द्वारा दिया गया था, उसके कागजात ये पड़े हुए हैं, ये रही बैंक की स्टेटमेंट जो ICICI बैंक की है, बकायदा अटेस्टेड है ये स्टेटमेंट बैंक के कर्मचारियों द्वारा, ये अटेस्टेड का स्टैंप लगा रखा है यहाँ, CA से बकायदा अटेस्टेड स्टेटमेंट, और ये 3 कागज और जारी करे गए थे। एक जो नोटिस भिजवाया गया था वो डेट है मार्च 17, 2020, क्योंकि मेरी शादी हुई थी फरवरी में और लॉकडाउन लगा था मार्च 18 को, अगर सबको याद हो तो। लॉकडाउन से एक दिन पहले हार मान के मैंने नोटिस भिजवाया लॉयर के द्वारा, उसका कोई मेरे को आज नहीं, जब आपने नोटिस भिजवाया उससे पहले क्या उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपका पेमेंट नहीं लौटाएंगे? वीडियो में साफ साफ ये बोल दिया था कि मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, मैं देखूंगा या तो सैलून खुलवाऊंगा या तो देखेंगे क्या हो सकता। फिर इसके बावजूद आपने लॉयर से अपने नोटिस क्यों भिजवा दिया जब उन्होंने आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन सिर्फ इस बात का दिया था कि मैं देखूंगा कि मैं क्या करूं, या तो मैं सैलून खुलवाऊंगा या तो मैं आपको पैसे वापस दूंगा, जो वीडियो में हमारे पास प्रूफ है जी, करीबन आधे घंटे का वीडियो है और उस आधे घंटे में करीबन 2.5 या 2.25 मिनट का ऐसा वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो गुपचुप वीडियो बनाया गया था फ़ोन से, तो करीबन सिर्फ 2.25 मिनट का होगा जिसमें वो अपना बोल रहे हैं कि हाँ मैं देखूँगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, या तो मैं कुछ करूँगा या तो पता नहीं। आपको क्या ये आभास हुआ कि हो सकता है ये हमें आपको टाल रहे हो, पैसे न दें और ना ही सैलून खुलवाएं, कि ये बात थी? हाँ यही बात थी, क्योंकि 2 साल से मैं फ़ोन के द्वारा मिलन के द्वारा कितनी बार मैं मिलने जा चुका था। आपने कभी पुलिस में कंप्लेंट किया इसका? मैंने पुलिस में एक बार भी इसको कंप्लेंट नहीं ली है, क्योंकि मैं सारे कोर्ट के चक्कर पोलाइटली, इसको बोलते हैं हम कि पोलाइटली, मैं चाह रहा था कि मेरा काम हो जाए, क्योंकि देखो मेरे को भी सैलून खोलना था और जिसका मेरे को क्या कहते हैं विश्वास दिलाया गया था जिस ब्रांड के द्वारा, लुक्स और ली मेरिडियन, क्योंकि बोला गया था कि मेरे फादर ली मेरिडियन में काम करते हैं, मैं लुक्स का कर्मचारी हूँ, बहुत ही बड़ा नाम वाला कर्मचारी हूँ, तो मैं उसी में था कि चल मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी बन जाएगी, 2 साल वेट करना पड़ा, कोई बात नहीं, मतलब इस अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप हैं बहुत बूढ़े हैं, मेरी वाइफ है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जब आपने कोर्ट का नोटिस भेजा उनके पास, तब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो देंगे या नहीं देंगे? नोटिस देने के बाद सबसे पहले उन्होंने करा कि मेरे नंबर, मेरे फादर के नंबर, इंस्टाग्राम जो आजकल बहुत सोशल मीडिया में काफ़ी ऊपर है, पॉपुलर है, वहाँ से हमें ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद, ये इसका भी प्रूफ मेरे फ़ोन पर है, मैंने उनको मैसेज किया, हालांकि मैं ब्लॉक्ड हूँ, मैं मैसेज कभी पहुँचेगा नहीं, मैंने कर्मचारी के द्वारा उनको मैसेज भिजवाया कि देखो मैं हाथ जोड़ के थक गया, प्यार मोहब्बत से बोल बोल के थक गया हूँ, 2 साल होने को आए, अब एक आम इंसान इससे ज़्यादा क्या करे। पूरा मामला क्या था, डीलिंग कितने रुपए की हुई थी और क्या पूरा मामला? 50 लाख रुपए की। अच्छा, सैलून खुलना था करीबन 1.25 से 1.5 करोड़ का, जिसमें से 50 लाख मेरा था और बाकी उनका था, 50-50 पार्टनरशिप पे बात हुई। और जब ये मैसेज पहुँचवाया गया कि जी अब मैं पुलिस के पास जाऊँगा या मैं कुछ कारी यू नो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि जी जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, मेरा जितना बल बनता है, मैं एक आम आदमी होने के तहत मैं वही चीज़ करूँ। जब उनकी तरफ से ऐसा मैसेज आया आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो, उसके बाद आप पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की या नहीं की? इसके बाद सारा जो कंप्लेंट का मामला शुरू हुआ, हाँ,
इसमें मैंने फिर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस में कंप्लेंट की है, पुलिस की कोई FIR वगैरह की कॉपी है आपके पास या नहीं? अभी FIR की कॉपी नहीं है। कोर्ट के थ्रू आपने सारा काम कराया है, एडवोकेट के थ्रू आपने लीगल नोटिस वगैरह भेजा है, सब कुछ पहुंचवाया है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं है। और ये कौन सी डेट को आपने लीगल नोटिस भिजवाया? ये लीगल नोटिस है डेट March 17, 2020 की है और ये एसोसिएट के नाम है अजय चौधरी एंड एसोसिएट, ये साकेत कोर्ट में बैठते हैं बाकायदा। इसके बाद आपने दोबारा कोई पत्र व्यवहार किया? इसके बाद कोई पत्र नहीं भेजा, वो कोई लेना सुनने की क्षमता में नहीं है।